जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मैदागिन चौराहा स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक व माल्यार्पण कर नमन किया गया व भारत जोड़ो का संकल्प लिया गया। इसके बाद मैदागिन स्थित पार्टी कार्यालय पर राजीव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतवर्ष को एक नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान की है। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बदलाव लाए थे। आज हम सब कांग्रेस जन उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं व भारत जोड़ो का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम में प्रमोद पांडे, जागृति राही, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस अनुराधा यादव, फसाहत हुसैन बाबू, डॉ. राजेश गुप्ता इत्यादि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। आयोजन किया गया है। आपने देखा कि आज राजीव गांधी जी की मूर्ति पर गंगा जल से हम लोगों ने उसको धोया है और दूध से उसको पवित्र किया है। उसके बाद माल्यार्पण कर राजीव गांधी अमर रहे के नारे लगाए। आज ही के दिन वर्ष 1991 में राजीव जी की आज हत्या हुई थी। और बहुत ही विडंबना कहा जाए कि इस देश से कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कैसा उदयमान सितारा अस्त हुआ था।